नमस्ते दोस्तों पूछे अपना सवाल में आप सभी का स्वागत है मेरे यानी कि अंशु कुमार के साथ दोस्तों इस कार्यक्रम में आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब तो अगर आपका भी है कोई सवाल तो देर किस बात की तुरंत फोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए फोन के अलावा आप फेसबुक व्हाट्सएप और ई के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी शुक्ला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में धन्यवाद तो दोस्तों अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और फोन लगाते हैं यश जी को जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल हेलो यश जी बात कर रहे हैं हाँ जी नमस्कार सर मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से हाँ जी बताइए बताइए सर आपका सवाल आया था आप अपना सवाल पूछ सकते हैं पूछिए अपना सवाल मैंने सवाल करा था कि हम तो आम का तो उसमें कीड़ा लग जाता आम में कीड़ा लगा हुआ है तो देखिए कई कीड़े लगते हैं तो इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि जो कीड़ा लगा हुआ है आम का हां जी। क्या वो कुछ हरे और मठमरे रंग का है कीड़ा जो है ना उसमें लगा एक्चुअली क्या नाम तो तो है आपका ना? नहीं डालियों में डालियों में डालियों में देखिए ऐसा है एक हाँ मैं समझ गया कीड़ा कौन सा है देखिए कीड़ा है जिसको हम कहते हैं कड़ी और ये नवंबर में इसके चारों तरफ जो हम लगाते हैं कोलतार लगा देते हैं या प्लास्टिक की लगा देते हैं वो इसीलिए लगाते हैं कि ये ऊपर चढ़ के पेड़ पर ना जाए और इसकी नेचर होती है कि ये जड़ से चढ़ता है और बिल्कुल लास्ट में जाकर के जहां पर बौर आने वाली स्थिति होती है वहां पर जाके रुक जाता है तो अब इसके लिए करना है आपको एक दवा आती है मैंगो जेब कौन सा सर मैंगो जेब इसका छिड़काव करें और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैरा थियान भी आप इसमें मिला लें तो मैंगो जेब जो है वो आप दो दशमलव पांच मिली लीटर पर लीटर मैरा थियान तीन एम पर लीटर दोनों को मिला के और उनका दोनों को छिड़काव कर देंगे तो जो अगर ऊपर बीमारी भी है कोई वो भी खत्म हो जाएगी और साथ साथ जो कीड़ा लगा हुआ है वो भी नष्ट हो जाएगा जी सर तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सवाल पूछने के लिए ठीक है सर, जैसे कि आम के पेड़ में देखें जब फल फल आ चुके होते हैं तो उसमें ना बहुत सारे कीड़े होते हैं चीटियाँ होती हैं तो वो वो भी क्या नुकसान करते हैं देखिए अगर आम जो है वो छोटा होता है जब तक मुलायम तभी तक ये सकिंग जो होते हैं ये कीड़ा जो होता है ये सक करता है रस को ऊपर जा करके और सक करने होता कि आई जिस डंठल से जुड़ा हुआ होता है उस डंठल का जब सक करता है तो हम टूट के गिर जाता है बड़ा हो जाने पर फिर उसमें कोई भी कीड़ा लगने की संभावना नहीं रहती जी सर तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं धर्मेंद्र जी तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल नमस्कार सर मैं अंशु बात कर रही हूं ग्रीन टीवी से सर आपका सवाल आया था आप अपना सवाल पूछ सकते हैं पूछे अपना सवाल हाँ मैडम एक्चुअली क्या है ये जानना चाहता हूँ कि एक डेयरी उद्योग खोलना चाहता हूँ जी है ना तो डेयरी के लिए हमें ये बताइए कि मध्य प्रदेश ऐसी बोल रहा हूँ तो कौन कौन सा बेनिफिट है गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी योजना के अंतर्गत और कौन सी भैंस जो हो होती है वो बहुत अच्छी होती है जी तो खरीदी से ज्यादा मतलब जो भी प्रोडक्शन उसका ज्यादा हो डेयरी खोलने के लिए जहाँ तक आपको ऋण या अनुदान की बात आप कर रहे हैं तो इसके लिए आपको अपने ज़िला में स्तर पर जाकर के और जिला पशुधन अधिकारी या जिला विकास अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा और वहाँ आपको प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा कि हम डेयरी खोलना चाहते हैं और उसके हिसाब से फिर वो आपका चारा के लिए कितनी ज़मीन आपके पास है और उसको डेयरी बनाने के लिए कितनी ज़मीन है उसकी सारी पैमाइश करेंगे देखेंगे वो और उसके बाद आपको करना एक जो प्रार्थना पत्र आप लगाएंगे उसमें अपने खेती का इंतख्या जरूर लगा दीजिएगा अच्छा, अब अच्छा, हाँ। उसके बाद देखिए अगर आप जो वैरायटी की बात कर रहे हैं भैंस की तो जाफराबादी और मुर्रा ये बहुत ही अच्छी नस्ल है जाफराबादी का दूध ज्यादा रहता है क्या सर मुर्रा से कैसे मु जाफराबादी एक ही तरीके से है मुर्रा और जाफराबादी में कोई ज्यादा वो नहीं है दोनों एक ही बराबर की है जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए ये सवाल पूछने के लिए सर अगर हम पशुपालन की बात करें तो पशुपालन में काम धेनु योजना है उसके तहत जो है वो किसान कैसे लाभ उठा सकते हैं देखिए काम धेन योजना भी सरकार की चलाई हुई योजना है तो ये काम धेन योजना भी वहीं से संचालित होती है हाँ अब जिला विकास अधिकारी के यहाँ से जब हम प्रार्थना पत्र देंगे तो चाहे वो कोई और अन्य योजना से या कामधेन योजना से कहीं से भी उसको ऋण दिलवाएंगे और उसी पर जो है जब वो डेयरी चलने लग तो उस पर अनुदान दे देंगे जी सर तो दोस्तों इसी के साथ हमारी अगली कॉलर है उत्तर प्रदेश के मेरठ से रेशमा जी तो आइए बात करते हैं रेशमा जी से और जानते हैं क्या है इनका सवाल नमस्कार मैम मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से हां जी अंशु जी मैम आपका सवाल आया था आप अपना सवाल पूछ सकते हैं पूछे अपना सवाल मशरूम के कल्टीवेशन के लिए अगर ट्रेनिंग कोई होता हो मेरठ के आसपास तो आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए जी देखिए मेरठ के आसपास नहीं बल्कि आप मेरठ में ही इसकी ट्रेनिंग ले सकती हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है आपकी मेरठ में उसमें आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी और ये कोर्सेज ट्रेनिंग तो होती है कितने दिन की होती है देखिए ऐसा है मशरूम के तो सात दिन में की भी होती है और एक महीने की भी होती है जिसमें अगर हम मशरूम का बीज कैसे तैयार किया जाता है लेबोरेटरी में इसकी पूरी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो पूरी ट्रेनिंग में एक महीना लगता है वैसे मशरूम कैसे उगाया जाए इसको सात दिन से लेकर के पंद्रह दिन के अंतर्गत इसकी ट्रेनिंग हो जाती है so धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए सवाल पूछने के लिए तो दोस्तों इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का आप कहीं मत जाइए देखते रहिए ग्रीन टीवी किन्नो जो है ये उत्तर भारत की में ही होता है जी इसको लगाने के लिए देखिए कभी भी जहाँ जल निकास की अच्छी सुविधा है वहाँ पर इसको हम प्लेन में लगाएंगे जहाँ जल निकास की सुविधा नहीं है वहाँ पर हम रिज में लगाएंगे घरों में कहीं नहीं लगाना चाहिए यानी कि जो है सर ये वही है ना जो चाइनीज नींबू भी उसे कहा हाँ, जाता है बिल्कुल वो किन्नो वही है हाँ. और मतलब ये है कि अगर हमको ये डर है कि पानी बरसात होगी तो पानी भर जाएगा तो तो मेड़ बना करके मेड़ के ऊपर लगाना चाहिए और सर, मिट्टी कैसी ज़रूरत मिट्टी इसके लिए बलुर दोमट से लेकर के और दोमट और मटिहार तक में ये सब में हो जाता के बाद आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब तो दोस्तों आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से आनंद जी से जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल नमस्कार सर मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से सर आपका सवाल आया था आप बकरी पालन के बारे में जानना चाहते हैं सर आप क्या जानना चाहते हैं पूछे अपना सवाल मैडम मैं यही जानना चाहता हूँ की तरफ से कोई सब्सिडी रहती है उस पर मार्केट के बारे में कितने आएंगे अगर मिनिमम से शुरू करें तो बकरी पालने के लिए अगर आप गवर्नमेंट से चाहते हैं कि इसका ऋण मिले हाँ। और या अनुदान मिले हाँ। तो देखिए गाय पर और डेयरी का जो भैंस पालते हैं उस पर तो सरकार ने डिक्लेयर किया है लेकिन अभी बकरी पर आप अपने वहाँ जिला विकास अधिकारी से संपर्क करके पूछ लें कि क्या इस पर भी हमको ऋण मिल सकता है या अनुदान मिल सकता है जी जी सर कोई और सवाल और इसका मार्केट बाजार कहाँ कैसे रहता है हाँ, अब देखिए मार्केट की यहाँ तक बात यह है कि बकरी का जो बिजनेस है हमारा वो दो बातों पर निर्भर करता है एक ज़्यादा से ज़्यादा मांसाहारी अगर क्षेत्र है तो उसमें आपका जो बकरे होते हैं वो अच्छी कीमत में बिक जाते हैं और जहाँ तक बकरी के दूध का सवाल है तो ये भी जो है अगर जहाँ दूध की सप्लाई होती है वहाँ तो आपका अच्छी तरीके से बिक जाता है क्योंकि बकरी का दूध जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से तो आप इसका बकरी की वाइटीज़ हैं उन सिरोही बरवरी और यमुना पारी ये वराइटीज आपको मिल जाएंगी आपको बाड़ा बनाना है आपको चरागा भी इसके लिए होना चाहिए और बरसात में जो अफरा हो जाता है उसके लिए टीका लगवाना चाहिए अब जो बात अनदान की आप कर रहे हैं अनदान तो आपको वहीं से पता लगेगा कि आपके वहाँ अनदान है कि नहीं है जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सवाल पूछने के लिए दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आप हमसे फोन के अलावा फेसबुक व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं हाल ही में राजस्थान से हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए करणवीर जी जुड़े थे सर ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या बेस्ट मैथड है किन्नो के प्लांट को ग्रो करने के लिए देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये नींबू कुल का ही पौधा है जिस तरीके से नींबू को हम करते हैं उसी तरीके से किन्नौ की भी करते हैं और ये इसमें जो है नंबर ऑफ फ्रूट जो हैं बहुत ज्यादा आते हैं यानी एक पेड़ पर करीब करीब एक हजार तक किन्नो लगते हैं जी। और जनवरी फरवरी में जो है ये फल पक जाता है ये बहुत छोटे छोटे हाँ छोटे होते, होते हैं इसे चाइनीज भी और ये असल में किन्नो जो है ये उत्तर भारत की में ही होता है जी। इसको लगाने के लिए देखिए कभी भी जहाँ जल निकास की अच्छी सुविधा है वहाँ पर इसको हम प्लेन में लगाएंगे जहाँ जल निकास की सुविधा नहीं है वहां पर हम रिज में लगाएंगे फरों में कहीं नहीं लगाना चाहिए जी यानी कि जो है सर ये वही है ना जो चाइनीज नींबू भी उसे कहा हाँ जाता हाँ है। बिल्कुल वो किन्नो वही है हाँ। और मतलब ये कि अगर हमको ये डर है कि पानी बरसात होगी तो पानी भर जाएगा तो, तो मेड़ बना करके मेड़ के ऊपर लगाना चाहिए और सर, मिट्टी कैसी जरूरत मिट्टी है? इसके लिए बलुअर दोमट से लेकर के और दोमट और मटियार तक में ये सब में हो जाता है जी और इसकी ज्यादातर जो खेती है वो नॉर्थ इंडिया में ही होती नॉर्थ उत्तर है। भारत में इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है सर इसका जो मार्केट है उसके बारे में जानना चाहेंगे देखिये मार्केट की बात तो जहाँ तक ये है की ये फलों की सप्लाई है जहाँ फल मंडी बहुत अच्छी है वहाँ पर यह है की इसका अच्छी तरीके से भाव मिल जाएगा जहाँ फल मंडी नहीं है वहाँ पर इसको बेचने में आप परेशानी होगी जी सर तो करणवीर जी आशा करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे हमसे जुड़ने के लिए और ये सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर अगर मैं किन्नो के यूजेस की बात करूँ तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है किन्नो देखो एक तो ये फल है जी अच्छा दूसरे ये है कि लोग किन्नो का अचार भी बना लेते हैं जैसे नींबू का अचार होता है वैसे किन्नो का अचार भी बन जाता है क्योंकि वो टेस्ट जो है जो, इसका जूस निकाल करके वे जूस भी पीते हैं जी तो दोस्तों फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का आप कहीं मत जाइए देखते रहिए ग्रीन टीवी मशरूम का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं तो उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन कि ये सीखे कहाँ से मशरूम की ट्रेनिंग कहाँ से ले उसे कैसे उगाएं और कैसे तैयारी करें देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तराखंड की रहने वाली है और उत्तराखंड में ही जो है मशरूम का बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण के लिए है वो है गोविंद वल्लभ पंथ यूनिवर्सिटी पंथ नगर दूसरी बात यह है कि वहाँ से अगर वो पूरा प्रशिक्षण लेंगी तब तो उनको पूरा का पूरा ज्ञान हो जाएगा कि कैसे अगर हम लेबोरेटरी में अपने यहाँ तैयार करा कर के बीज भी तैयार करा सकते हैं और किस तरीके से हम ये मशरूम जो है पैदा करें ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछिए अपना सवाल में जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब तो दोस्तों आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से श्रीकांत जी से जो कि झारखंड के रहने वाले हैं तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल नमस्कार सर मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से हाँ बोलिए सर आपका सवाल आया था आप अपना सवाल पूछ सकते हैं पूछे अपना सवाल हाँ मेरा सवाल था जी कि हमारे झारखंड में पशुपालन में बकरी पालन पे सबसे अच्छा नस्ल कौन है और रूप उसका जो वृद्धि दर है उस पैसे बढ़ेगा उसके लिए हमें जानकारी चाहिए देखिए झारखंड के लिए सबसे अच्छी बराइटी जो है वो आपकी है सिरोही और दूसरे नंबर पर आती है इसकी वृद्धि के लिए हमें क्या क्या करना होगा इसकी जानकारी चाहिए इसका रख रखाव किस प्रकार करें हाँ। कि हाँ प्रजनन मतलब वृद्धि दर जो है काफी हो हाँ देखिए ऐसा है पहले तो इसके लिए जो हम बाड़ा बनाते हैं जी तो दस बकरियों के बीच में एक जो है नर होना चाहिए जी और ज्यादा से ज्यादा बीस बकरियों के बीच में वैसे एक एक जो दस के बीच में जो है वो बहुत उत्तम माना जाता है जी। अच्छा और दूसरा इसके लिए चरागा होना चाहिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर चरागा नहीं है तो फिर आपको जो आपने बाड़ा बनाया है उसमें इसकी बढ़वार के लिए बरसीम है रिचका है इस तरीके की जो फसलें हैं इन फसलों में आप दो भाग भूसा और एक भाग जो है बरसीम या रिचका मिला करके और इनको खाने को देंगे आप और साथ में जो दाना है उसको दाना भी देंगे आप जी सर कोई और सवाल इसका हमें प्रजनन के लिए उसका हमें बकरा कहाँ से प्राप्त होगा इधर लोकल देखिए ऐसा है आपको तो उसके साथ जब बाड़ा बना रहे हैं आप तो बकरी पालन कर रहे हैं तो आपको कहीं बाहर बकरियां ले जाने की जरूरत नहीं है आपको उसी बाड़ा में ही रखना पड़ेगा देखिए इंडियन इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में है उस वहां से आप जो है ये बकरी की नस्ल ले सकते हैं रांची में है हाँ जी जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के के लिए सवाल के लिए सवाल पूछने तो दोस्तों इसी के साथ हमारी अगली कॉलर है आंचल जी उत्तराखंड की रहने वाली हैं और सर ये आपसे जानना चाहती हैं कि ये मशरूम का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं तो उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन कि ये सीखे कहाँ से मशरूम की ट्रेनिंग कहाँ से ले उसे कैसे उगाए कैसे उगाएं और तैयारी करें देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तराखंड की रहने वाली हैं और उत्तराखंड में ही जो है मशरूम का बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण के लिए है वो है गोविंद वल्लभ पंथ यूनिवर्सिटी पंथ नगर जो उत्तराखंड में ही है पहली बार दूसरी बात यह है कि वहाँ से अगर वो पूरा प्रशिक्षण लेंगी तब तो उनको पूरा का पूरा ज्ञान हो जाएगा कि कैसे अगर हम लेबोरेटरी में अपने यहाँ तैयार करा करके बीज भी तैयार करा सकते हैं और किस तरीके से हम ये मशरूम जो है पैदा करें लेकिन संक्षेप में मैं बता दूं कि हवादार कमरा होना चाहिए उसमें आपकी रैग बनी हुई होनी चाहिए कमरे को फार्मल से उसको अच्छी तरीके से घोल बना करके उसको धुलाई कर देनी चाहिए ताकि कोई फंगस उसमें ना हो और गेहूं का भूसा कैल्शियम अमोनोजियम नाइट्रेट यूरिया सिंगल सुपरफासफेट और म्यूरेटा पोटास सीरा गेहूँ का चोकर और जिप्सम और लिंडेन इतनी चीज़ों की आवश्यकता होने के बाद उस सामग्री तैयार करते हैं और उस सामग्री में हम अगर 100 किलो सामग्री लेते हैं तो 500 ग्राम उसमें सीट डाल करके और थैलियों भर करके के वहाँ रखते हैं कमरे में हम टेम्परेचर को जरूर मेंटेन करेंगे और मॉइस्चर को भी जरूर मेंटेन करेंगे जब थैलियाँ रखेंगे तो 20 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए तापक्रम और मॉइस्चर अस्सी से नब्बे और जब उसमें थैलियों में आपको धागे जैसी संरचना दिखाई देने लगे तब चौदह से पंद्रह डिग्री सेंटीग्रेड उसका जो है वो टेम्परेचर कर दीजिए और अस्सी से नब्बे डिग्री उसका रखिए आपकी मशरूम की खेती बहुत ही कायदे से हो जाएगी जी सर जैसे कि आंचल जी ने लिखा है कि इन्हें बिजनेस करना है तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आप किस स्केल पे कर रहे हैं नंबर एक अगर आप ज्यादा स्केल पे कर रहे हैं तो आप रिलायंस से या मदर डेयरी से आप संपर्क कर कर सकते हैं क्योंकि जब ज्यादा मात्रा में होता है तो ये अब इन्होंने ये अपना बिजनेस चलाया है कि सब्जियां जो है गांव-गांव जाकर के सेंटर बना दिए हैं और वहां पर इकट्ठी हो जाती हैं और वहाँ से खरीद करके ला करके अपने उसमें बेचते हैं रिलायंस और मदर डेयरी दोनों ही ये काम कर रही है तो अगर, अगर वहाँ पर मशरूम और लोग भी करते हैं तो कहीं ना कहीं जो सब्जी का सेंटर बना हुआ है वहाँ पर ये भी अपना सप्लाई कर सकते हैं जी और सर अगर हम मशरूम की बात करें तो या फिर किसी भी बिजनेस की बात करें तो वो अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से छोटे स्तर से ही स्टार्ट करना चाहिए हाँ देखिए अगर हमको नॉलेज नहीं है जी। तो कोई भी business, भी बिजनेस कभी एकदम लार्ज स्केल पर नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर छोटा हमने स्तर पर किया है तो थोड़ा बहुत अगर घाटा होता है तो बर्दाश्त भी किया जा सकता है और उससे हमें जो है और जब हम देखते हैं कि हमारा अच्छा बिजनेस अब चलने लगा तब हम उसको बढ़ाएं जी और आंचल जी जैसे कि आप अगर बिजनेस करना चाहती हैं मशरूम का तो आप मार्केट को ज़रूर ध्यान में रख ले पहले मार्केट देख ले उसके बाद ही खेती करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए ये सवाल पूछने के लिए आशा करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे सभी कॉलर्स को आप हमसे जुड़े और आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी धन्यवाद तो दोस्तों अगर आप भी खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए फोन के अलावा फेसबुक व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल फिलहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए देखते रहिए ग्रीन टीवी नमस्ते